मीडिया बॉस बनते ही अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार फुल ऑन एक्शन में आ चुकी है और केजरीवाल सरकार के मंत्री अब एक एक करके कई सरकारी अधिकारियों की छुट्टी भी कर रहे हैं। इसी लिस्ट में अब एक और सरकारी बड़े अधिकारी का नाम शामिल हो चुका है। जी हाँ, एमसीडी की मेयर शेली ओब्राय ने अब कर दी है एक बड़े अधिकारी की छुट्टी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी और इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं और आपको बताऊं कि आखिर किस अधिकारी पर इस बार गिरी है गाज, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार कमान खुद एमसीडी की मेयर शेली ओब्राय ने अपने हाथों में संभाल ली है। उन्होंने इस मामले में मुख्य एसएसआर कलेक्टर कुणाल कश्यप को पद से हटाते हुए उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। शेली ओब्राय ने बताया कि एमसीडी के चीफ एसएसआर कलेक्टर कुणाल कश्यप के संबंध में काफी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। शेली ओब्राय का कहना है कि कुणाल कश्यप पर 4 करोड़ के हाउस टैक्स चोरी का आरोप है, जिसकी वजह से एमसीडी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मेयर शेली ओब्राय ने बताया कि लगातार कुणाल कश्यप के खिलाफ मिल रही शिकायतों को देखते हुए ही उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया है। इसी के साथ उनके अभी तक के कामकाज की सारी फाइलें विजिलेंस जांच के लिए भेज दी गई हैं। फिलहाल कुणाल कश्यप को पद से हटाने के साथ ही इस पद पर किसी ईमानदार अफसर को लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शेली ओब्राय का कहना है कि एमसीडी में जनता से जुड़े सभी तरह के कामकाज पर बारीकी से निगरानी हो रही है। ऐसे में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अफसर तक हर कोई रडार पर है। जहां कहीं भी किसी अधिकारी या कर्मचारी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेयर शेली ओब्राय ने कहा कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, जल्द ही भ्रष्टाचार फैलाने वाले दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी गाज गिरने वाली है। एमसीडी की मेयर शेली ओब्राय ने कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसी भ्रष्टाचार की वजह से ये संस्थान घाटे में है। एमसीडी मेयर शेली ओब्राय ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली नगर निगम इतना तो सक्षम है कि आत्मनिर्भर होकर काम कर सके, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की वजह से छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी दिल्ली सरकार की ओर देखना पड़ रहा है। शेली ओब्राय ने कड़े शब्दों में एमसीडी के कर्मचारियों को ये चेतावनी भी दी है, निगम के कामकाज में भोली भाली जनता को लूटना बंद कर दे वरना अंजाम बुरा होगा। मतलब साफ है कि दिल्ली की बॉस बनते ही आप यानी केजरीवाल की सरकार अब फुल ऑन एक्शन में है और एक के बाद एक अब सरकारी अधिकारियों पर गाज गिर रही है। अब अगला नंबर कौन से सरकारी अधिकारी का होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।